पिछले कुछ दिनों में ठंड और बारिश के कारण कोपर गांव में दो और शिरडी में दो भिखारियों की मौत हो चुकी है। इस खबर के बाद कोपर गांव के सामाजिक कार्यकर्ता नारायण सेठ अग्रवाल और कोपर गांव शहर के पुलिस निरीक्षक वासुदेव देसाले ने भीषण ठंड से बचाने के लिए शहर के गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे। हर तरफ कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ठंड से बचाव के लिए कंबल बांटने शुरू किए हैं। हर तरफ कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हुई तो कंबल बांटने का दौर भी शुरू हो गया। इसी तरह कोपर गांव में भिखारियों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, इसलिए वे गांव में अलग अलग जगहों पर रहते हैं और वहीं पर सोते हैं, किसी तरह ठंड में रात गुजारते हैं। कोपर गांव में दो, शिरडी में दो भिखारियों की मौत की खबर पिछले कुछ दिनों से फैल रही है। इस खबर के मद्देनजर इन बेसहारा लोगों को ठंड से बचाने के लिए कंबल का प्रयोग किया जा सकता है। इसी सामाजिक भावना के साथ शनिवार की रात 4 दिसंबर 2021 को कोपर गांव शहर के समाज सेवी नारायण सेठ अग्रवाल की पहल पर पुलिस इंस्पेक्टर वासुदेव देसले के हाथों साईं बाबा तपोभूमि बस्थानक दत्तापार और शहर के कई अन्य स्थानों पर बेघर गरीब लोग रात में बाहर सोकर अपना जीवन काट रहे हैं, उन्हें ठंड से बचाव के लिए कंबल बांटे गए हैं। माया की इस गर्मी को देखकर जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस अवसर पर पुलिस निरीक्षक वासुदेव देसले नारायण सेठ अग्रवाल के साथ डॉक्टर डी एस मूले, योगेश जोगन्ना पुत्रा, बजाज सर, वीरेश अग्रवाल आदि उपस्थित थे। आज दोन दिवसात पडलेल्या प्रचंड थंडीमुळे गोरगरीब लोकांचे जे रस्त्याच्या ओट्यावर किंवा रस्त्याच्या किनाऱ्यावर जे उघडे पागडे भिकारी लोक, भिक्षुकरी लोक बसले पडलेले असतात, अशा लोकांना एक सहारा म्हणून आम्ही आज ब्लँकेटचं वाटप देसले साहेब, डॉक्टर मुळे साहेब, जोगन पुत्रा, माझे पुत्र चिरंजीव वीरेश आणि बजाज सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही ब्लँकेटचं वाटप केलं आहे। गोरगरीब लोकांचा आशीर्वाद मिळावा हा एकमेव उद्दिष्ट या पाठीमागे आहे। कोपरगाव शहर आणि परिसरामध्ये अचानक थंडीची जी वाढ झालेली आहे, टेम्परेचर डाऊन झालं आहे। अशा परिस्थितीमध्ये मागील 2-4 दिवसांमध्ये थंडीच्या या डाऊन झालेल्या तापमानामुळे बरेच भिक्षुकरी किंवा भिकारी वजा लोक रस्त्यावर होते, 1-2 लोकांचा मृत्यू झालेला आहे। अशा परिस्थिती जी बातमी होती ती बातमी आम्ही वृत्तपत्रात पण वाचली होती आणि त्या अनुषंगाने नारायण सेठ अग्रवाल यांना आम्ही कळवलं की अशा पद्धतीने जर आपण काही करता येईल तर बघावं। त्या अनुषंगाने त्यांनी सांगितलं, साहेब ठीक आहे, आपण सांगितलं तर आपण मदत करूया आणि जे रस्त्यावर ज्यांच्याकडे पांघरायला किंवा ओढायला काही नाही अशा लोकांना आपण ब्लँकेट वाटूया। अनुषंगाने नारायण अग्रवाल साहेबांनी आम्हाला स्पष्टपणे होकार दिल्यानंतर आज रोजी सर्वांच्या त्यांच्या सह आम्ही ज्या ज्या ठिकाणी शक्य होईल जे भिकारी किंवा भिक्षुक असतील त्यांना ज्या ठिकाणी शोधून त्या प्रत्येकाच्या अंगावर एक पांघरून घालण्याचा प्रयत्न एक या ठिकाणी केलेला आहे, जेणेकरून लोकांचं जीवित रक्षण व्हावं या भावनेतनं हे कृत्य आम्ही केलेलं आहे।